राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सुबह के बजे हुए हैं 5:30। आँख खुल गई थी 5 बजे, क्योंकि बच्चों को जाना था स्कूल। पहला दिन था बच्चों का और आँख क्या खुल गई थी, सारी रात नींद ही नहीं आई। इसी टेंशन में कि ऐसा ना हो कि सुबह को आँख ना खुले, सुबह को आँख ना खुले, और इसी चिंता में कब रात गुजर गई पता ही नहीं चला। तो खैर, सुबह का टाइम हो गया, फाइनली परेशान होके उठी गई और 5:30 हो गए थे। तो अब मैं करूंगी अपने रोजमर्रा के काम जो भी हैं। उठते ही सबसे पहले मेरा ध्यान जाता है उन चीजों पे जो रात को उठानी रहेगी थी। और वैसे मैं सही में बताऊं, अभी बच्चों का स्कूल जब लेट था तो थोड़ा लेट ही उठती थी मैं, 6:30 या 7 भी बज जाते थे कई बार, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे बच्चों की बस आती थी। हालांकि स्कूल टाइम 7:30 का ही था, लेकिन बस जो है उनकी पहले जा पढ़ते थे 9:30, मतलब 9 साढ़े 9 बजे भी बच जाते थे, और 8:30 बजे 9 बजे से पहले तो बच्चे कभी गए ही नहीं। तो अब बच्चों की बस जो है वो 7:15 बजे आएगी, 7:30 तक आ जाएगी, तो थोड़ा सा जल्दी का भी रहता है। तो मैं जल्दी ही उठ गई थी। मुझे ये था कि भाई जल्दी उठने से ये होता है कि अपने काम को हम टाइम पे कर पाते हैं, भागा दौड़ी सी मचती। तो जी, उठने के बाद सबसे पहले मैं सारे अपने जो गेट वगैरह हैं वो खोलती हूँ, ताकि सुबह की जो फ्रेश हवा है वो अंदर आए। उसके बाद मैं अपना बस फ्रेश अप होके ब्रश वगैरह करके फेस वगैरह धोती हूँ अपना। टाइमिंग चाहे उठने की कोई भी हो, लेकिन जो अपना रूटीन है वो रूटीन ही है। तो जी, मुंह वगैरह मैंने धो लिया है और यहाँ पे मैं गई हूँ रूम में उठाने के लिए पीहू को। रूही इतनी एक्साइटेड थी कि वो बेचारी 4 बजे की उठी हुई लेटी ही थी। पहले पीहू 3 बजे उठ गई और फिर उसे मतलब लिटाया, उसके बाद 4 बजे रूही उठ गई, तो वो भी अपना लेटी रही। मतलब पहला दिन था ना, तो एक्साइटेड इतने थे बच्चे, ये पता नहीं सोए भी नहीं भी सोए। तो मैंने अपना मुंह वगैरह पोंछ लिया है, उसके बाद इधर वाला दरवाजा रह गया था आज मेरा खोलना। तो अब मैं लगाऊंगी सुबह की झाड़ू। हमारे यहाँ सुबह को झाड़ू जरूर लगाते हैं उठने के बाद, तो तुरंत भी नहीं कि हाँ भाई बेड पर से उठ पाए और आते ही झाड़ू उठा ली, ये भी नहीं, मतलब 5-4 मिनट बाद थोड़ा सा इधर उधर टहलने के बाद। तो यहाँ पे अब हम लगाते हैं सुबह की झाड़ू। प्रॉपर झाड़ू नहीं होती, लेकिन बस ये होता है कि झाड़ू निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी झाड़ू जो है वो निकाल दे रही हूँ। तब तक बच्चे जो है वो भी उठ के आ गए थे। कृष्णा को नहीं जाना था स्कूल, लेकिन पीहू रूही को जाना था, और यहाँ पे रूही भी अपना ब्रश वगैरह करके मुंह धो के आ गई है, नहाएंगे धोएंगे ये बाद में, और पीहू भी आ गई है उठ के। तो अभी ये बैठ गया और मैं इसको बोल रही, मैंने कहा बैठ मत, क्योंकि जितनी देर बच्चे बैठे रहेंगे आलस ही आता रहता है। तो फिर मैं कहा तू भी जाके अपना ब्रश वगैरह कर और अपना मुंह धो, ताकि आंख सी खुल जाए। तो जी, झाड़ू वगैरह लग गई है मेरी और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। यहाँ पे मुझे बनानी है चाय, पानी पीना है और बच्चों के लिए करना है दूध। और खाने की तैयारी मैंने एक दिन पहले रात में ही कर ली थी। भिंडी मुझे बनानी थी खाने में, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह, वाटर बॉटल जो भी है वो सारी चीज़ें मैंने रात के टाइम ही करके रखती थी। तो यहाँ पे अभी मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और साथ में साथ मैं लूँगी, खाली पेट मैं लेती हूँ अजवाइन, क्योंकि मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है, और इसीलिए मैं भी और पीयू के डैडी भी अजवाइन लेते हैं सुबह के टाइम। और अगर अजवाइन ना हो तो DSR का जो कैप्सूल आता है ना, जो वो गैस्ट्रिक के लिए होता है, वो मैं ले लेती हूँ सुबह को। लेकिन खाली पेट मुझे दवाई या ये अजवाइन लेनी जरूर होती है, क्योंकि मेरे से खाली मतलब अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा देर भी भूखी रह लूँ या खाली पेट रह लूँ तो मुझे दिक्कत बनने लगती है। तो खैर देखिए, इधर मैंने बच्चों के लिए दूध रख दिया है और उधर मैंने गैस पे रख दी है चाय, और यहाँ पे बच्चों की जो लंच बॉक्स वगैरह है उनको भी मैं बंद करके एक साइड रख दूंगी। यहाँ पे पीहू मुझे कुछ पूछने आई हुई थी, शायद ड्रेस वगैरह का क्या था, हालांकि ड्रेस तो इन्होंने रात को ही कर ली थी अपनी। यहाँ पे मैं पीहू के डैडी के लिए भी लेके आई हूँ पानी और अजवाइन। तो एक अपना देखिए रूटीन सा होता ही है, गर्म पानी मैं पीती नहीं, गर्म पानी मेरे से बिल्कुल नहीं पिया जाता, ना सर्दियों में ना गर्मियों में। तो यहाँ पे बच्चों का दूध लगभग हो गया है और चाय भी पकने के लिए मैंने रख दिया, तो दूध गर्म होएगा और उसके बाद चाय बनेगी, तो फिर मैं सर्व करके लेके जाऊंगी और हम पियेंगे अपने मॉर्निंग की चाय और दूध। तो जी, लीजिए चाय भी बन गई है और मैंने लगा दी है कपों में, बच्चों के लिए दूध भी कर दिया है। अब पीहू के डैडी भी तब तक उठ गए थे, बच्चे भी दोनों ब्रश वगैरह करके आ गए थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे बैठेंगे, 2-4 बातें करेंगे। जब तक चाय पीते हैं तो थोड़ी सी बातचीत अपनी हो जाती है आगे के रूटीन के लिए। तो बस जी, यहाँ पे चाय पानी पी ली है अपनी और उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। और क्योंकि मैंने भिंडी रात के टाइम ही काट के रखी हुई थी,
तो अब बस मुझे लगाना था तड़का। तो यहाँ पे मैंने प्याज ले ली है, प्याज को मैं लंबी लंबी स्लाइसेस में काटती हूँ, और बच्चे टमाटर नहीं खाते ज़्यादातर सब्जियों में, तो इसलिए मैं नहीं डाल लूँगी। पिछली बार मैंने डाल दी थी तो बच्चों ने खाई नहीं थी, तो यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया है धनिया जीरा, उसके बाद जो प्याज काटी हुई है वो, और हल्की सी जब वो पक जाएंगी, ज़्यादा नहीं, मैं जो भिंडी में जो प्याज डालते हैं मैं उसे ज़्यादा नहीं पकाती, हल्की सी भूनती हूँ, उसके बाद जो मसाले हैं हल्दी मिर्च नमक वो डाल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भिंडी में हल्दी नहीं डालते, लेकिन हमारे यहाँ डालते हैं, तो जी मैं भी डालती हूँ। तो जी भिंडी मैंने रख दिया तड़का लगाने के लिए, और इधर अपने गैस पे सामान को समेट के मैं बना दूंगी आटा। आटे को मैं थोड़ा सा लगा के रख दूंगी ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। मैं आटा अभी भी गर्म पानी में ही बनाती हूँ, क्योंकि गर्म पानी में बनाने से आटा जो है वो सॉफ्ट लगता है। तो बस देखिए जी, आटा हो गया है मेरा रेडी, और सब्जी भी हो गई है, और शायद मैंने बच्चों को नहाने के लिए भेज दिया था अभी भी या नहीं, मुझे पता नहीं, बच्चों को देखूंगी मैं तभी याद आएगा। तो यहाँ पे अभी आ गए हैं पीहू के डैडी उठ के हेल्प कराने के लिए मेरी, और ये अनार छीलने का जो काम है ये पीहू के डैडी ही करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा अच्छे से आता है। मुझे अनार छीलना थोड़ा सा सिरदर्दी से का काम लगे, खेलना सा पड़े दाने एक एक निकालते हुए। तो इधर मैं सब्जी चला रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने छीला है खीरा, मैंने कहा बच्चों को लंच बॉक्स में दे दूंगी, तो खीरा बच्चे जो है वो स्कूल में अपना खा लेंगे। मैंने खीरा काट के रख दिया है, और साथ ही साथ जो अंगूर लेके आए थे हम मंडी से, वो मैंने थोड़े से गर्म पानी में भिगो दिए थे, ताकि उनके ऊपर जो भी कोटिंग वगैरह है या केमिकल वगैरह जो भी है वो थोड़े से धुल जाए। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पराठे। पूरी कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं बच्चों को पूरी डाइट दूँ स्कूल में। घर में बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, अगर रोटी नहीं भी खा रहे तो और बाकी चीज़ें खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो इतना नहीं फर्क पड़ता, लेकिन स्कूल में बच्चा वही खाएगा जो हम देंगे। तो इसीलिए मेरी कोशिश पूरी ये रहती है कि मैं उनका जो स्कूल का लंच बॉक्स है उसे इस तरीके से दूँ कि वो मतलब प्रॉपर उनकी डाइट है वो जाए। और इसी ही करके मैंने जो ये वाले लंच बॉक्स है ये मैंने मंगवाए हैं, सिर्फ ये मेरा रीजन था कि इनको मंगवाने का, कि मैं बच्चों को इनमें प्रॉपर सारी चीजें दे सकूं, और सच में बहुत अच्छे हैं ये। इनमें जो लिक्विड चीजें हैं वो भी नहीं मतलब रिसती या लीक होती बिल्कुल भी। तो जी पराठे रख दिए हैं दो दो मैंने, साथ में रख दिए हैं अंगूर एक एक कॉलम में, अनार के दाने हैं वो मैं रख दूंगी, और एक साइड मैं रखूंगी सब्जी जो मैंने बनाई है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया भिंडी की सब्जी हमारी तैयार, इसको लगा दिया है, और रोटियों के साथ मैं रख दूंगी थोड़े से खीरे, 5-4 स्लाइस जो भी है वो। तो ये मेरे बच्चों का हो गया है लंच बॉक्स, और खास इस वजह से कि इनमें हम बच्चों को सारी चीजें दे सकते हैं एक ही जगह। पहले क्या होता था कि मुझे फ्रूट वगैरह देने के लिए भी बच्चों को अलग अलग से कंटेनर देने पड़ते थे छोटे छोटे, अब इसमें क्या है कि इसकी ऊंचाई भी इतनी नहीं है, ये थोड़ा चौड़ा जरूर है लेकिन ऊंचाई इतनी नहीं है, और इसके जो बॉक्स बने हुए हैं उनमें एक बच्चे के लिए जितनी चीज जरूरी है उतने आ जाते हैं आराम से। मुझे तो बहुत अच्छे लगे ये वाले बॉक्स, पहले मैंने एक दो मंगवाए थे, और अब मैं कृष्णा के लिए भी वो मंगवाऊंगी, क्योंकि तीनों ही बच्चों को उनकी डाइट प्रॉपर देना मेरी रहती है कि मैं उन्हें पूरा दूँ। तो खैर देखिए किचन का काम मेरा सिमट गया है, पानी वगैरह मैंने रख दिया है बोतल भर के उनकी, और सारी चीजें, अब बारी आ जाती है बच्चों को तैयार करने की। और पीहू रूई नहा धो खुद ही लेती हैं, कपड़े वगैरह भी ये खुद ही डाल लेती हैं दोनों बहनें, मेरा काम बस इनके बाल बांधने का रह जाता है। और मेरी कोशिश भी खुद से यही रहती है कि बच्चे जितने ज्यादातर सेल्फ डिपेंड हो उतना ही अच्छा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं मौजूद रहते चीजों को करने के लिए, तो फिर उनको दिक्कत होती है। चलिए बैठे बैठे इंसान बाल तो बना दे या कुछ भी, लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल ही दूसरे पे डिपेंड हो जाएगा तो फिर दिक्कत होती है। तो देखिए पीहू के रूही के बाल मैंने पहले बना दिए हैं, अब बारी आ गई है रूही की, दो चोटियां कर सॉरी रूही के बाल पहले बनाए, अब बारी आई है पीहू की, दो चोटी बना के जानी है रिबन डाल के। और सारा सामान हम इनका ले ही आए थे एक दिन पहले, तो सारी ही कोशिश थी कि हो जाए। उसके बाद देखिए मेरे बच्चों ने फिर कान्हा जी को नहलाया धुलाया, कान्हा जी नहा धो के बैठ गए थे मंदिर में, और उसके बाद दोनों बहनों ने की है पूजा, और साथ में किया है बजरंग बाण का पाठ। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की मास सबे सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सबे दल
तो जी ये देखिए, ये है मेरा मंदिर और ये बैठे हैं मेरे गोविंद और माधव, दोनों तैयार हुए। ये बच्चों का है, मेरे दोनों का, कि जब वो सुबह को स्कूल जाते हैं जल्दी, तो नहा धो के वो कान्हा जी को नहला धुला के पूजा जरूर करके जाते हैं। और देखिए यहाँ पे पूजा हो चुकी है और यहाँ पे वो देंगे शिवलिंग को जल। बाहर जो गमला हमारा रखा हुआ है उसी में मैंने बहुत छोटे से शिवलिंग रखे हुए हैं, क्योंकि कहते हैं कि घर में ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं रखा जाता। तो बच्चों की पूजा पाठ हो चुकी है सारा, अब बच्चे लगाएंगे अपने लंच बॉक्स। और देखिए ये ना, मतलब वो नहीं है कि कई बार क्या होता है कि बॉक्स जो होते हैं ऊंचे से होते हैं ना, तो उसकी वजह से बैग उठा उठा सा रखता है, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। और स्टील की बोतलें हैं दोनों की दोनों, तो यहाँ पे इनके बस शूज रह गए थे। असल में इसके जो पीयू के शूज के जो फित्ते हैं वो उल्टे सीधे से थोड़े हो रहे थे, तो उनको मैंने ठीक किया है। इधर रूही को ना अभी भी गांठ लगानी नहीं आती, नोट बांधनी नहीं आती, तो वो भी थोड़ी सी परेशान होती कि मम्मा नोट बांध दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पीयू के शूज सही करने के बाद मैं रूही के शूज की भी नोट बांध दूंगी। और उसके बाद बस दोनों बच्चे हो गए हैं तैयार। कृष्णा सो ही रहा था, फिर उसको भी उठाया मैंने, कहा चल बच्चों, मैं कहा बहन उन्हें अपनी दीदी यार को छोड़ के आइए बस स्टॉप तक। तो जी बच्चे हो चुके हैं रेडी और एक्साइटेड भी है दोनों बहुत ज्यादा, पहला दिन स्कूल में जाने के लिए। जी देखिए दोनों हो गई हैं तैयार। देखो बेटा इधर आइयो, देखो रुई इधर, ये हो गई हैं दोनों बहनें रेडी। जुड़वाओ, फरसाई लग रही, बस लंबाई का ही फर्क है थोड़ा सा, है ना? मैंने तो जुड़वाई हो दोनों, कैसा लग रहा? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा। पढ़ाई भी अच्छे अच्छे से करियो, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा टाइम है इनकी बस आने में, तो तब तक मैं भी अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा विचार है कि बच्चों को बस में बिठा के हम थोड़ा सा घूम आएंगे उधर ही, ठीक है बच्चों? जी। तो मैं भी बस फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ। जी बच्चे चले गए हैं स्कूल और हम चल दिए हैं घूमने के लिए। मैं हूँ पीयू के डैडी हैं और ये नटखट है, बस यूं ही कूदता रहे, यूं ही बस। आज की है बस, कल को तो तुझे भी जाना उन्हीं के साथ, वही मिलेगा गाड़ी में ही बैठा हुआ। चल तो वहाँ होती है जो एक दिन के बाद होती है। अच्छा नहीं, 2 दिन के बाद। अच्छा, तो चलिए जी घूम आते हैं थोड़ा सा इसी बहाने से। हमने इस बार ना पहले ही सोच लिया था, मैं कहा थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चों को भेज के थोड़ा सा टाइम निकलेगा अपने लिए भी, तो एक चक्कर मार लिया करेंगे इधर को, तो उतनी भी बहुत है हमारी, या नहीं पीयू के डैडी? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जैसे फर्स्ट टाइम है, मतलब जैसे हम कोशिश कर रहे हैं, रोज आया करेगी मेरे साथ तो आराम तो लग जाएगा। 15 दिन में ही सांस सूंस जो है ना चढ़े जैसे तुझे, तो बंद हो जाएंगे। हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया, मैं तो इसमें परेशान हो रही, मेरे पास नीचे वाली सीढ़ी से ऊपर तक जाते जाते ऐसा हो जा, अपने वाली तक ये कि उस पर ऐसा पता नहीं मैं क्या 1000 किलोमीटर। चाय इतने बंद करी थी, चाय चाय तो बस मैं लेके जरूर बैठूँ जी, मैं कप दो घूट पी का मैं दर्द दर्द ना, वो बनवानी भी बंद कर, वे स्टॉप मनी है वो भी ना, क्या फायदा? दूध भी जा, चाय भी जा, पत्ती भी, सारा कुछ, गैस भी, फायदा क्या? धूप निकल जाए, जैसा गर्मी है ना तो धूप निकल जाए एकदम, पता है 7:30 ही हो रही और ऐसा हो रहा है जैसा पता नहीं कितनी। और अब ना आम का सीजन है, तो आम के जितने भी पेड़ है ना सब पीयू के डैडी वो तोड़ी हो चटनी बनाने के लिए। चटनी तो आए नहीं, आम के पत्ते ही तोड़ लो। भी कल 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 आपको भी जाना है स्कूल में, पता है सा सारा मजा आएगा, आज भी तो जाना। चलो तो जी ये है करी पत्ता, और करी पत्ते पे भी बाहर आ रही, फूल आ रहा, ले लूँ सब्जी सब्जी में डालने के काम आएगा ये देखो। और पीयू के डैडी तो इन्हें कच्चा वैसे मुझे पता भी नहीं ढंग था, यही है करी पत्ते, इन पे तो फूल आ गए, तो ये बीज हैं क्या इनके? बीज हैं ये?
ये जब सूख जाएंगे फिर ये जड़ जा, फिर अपने आप ही दूसरा पौधा हो जा। अच्छा तो हम भी जाके इन्हें झाड़ देंगे? अब तो कच्चे हैं ये। अच्छा देखिए तो बहुत सारे लग रहे हैं। इतने क्यों तोड़े? फ्री तोड़ तो, मतलब फ्री है तो जितने मर्जी तोड़ दो। ना मैं तो खाने के लिए तोड़ रहे, तेरे डैडी तो बेटा यहाँ पे सारा जंगली एरिया है ये देखो, और पूरे में ये क्या है, जामुन का पेड़ है ना पीयू के डैडी लगे कब को इस पर जामुन, मुझे लगे आने तो पहले ही तो तोड़ लें। देखिए ये भी वही है ना करी पत्ता, ये सारा करी पत्ता ही है। फूल देख कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसे तो, वैसे फूल ऐसे हमने जब पौधे लगाए एक पे भी फूल नहीं आका, खुश हुआ जंगल में ज्यादा है वो जहाँ। ये देखो ये भी करी पत्ता ही है। घूम फिर के हम आ गए हैं घर। क्या हुआ, थक गया? और आधा घंटा हो गया होगा ना घूमते हुए? हाँ तो स्टार्टिंग में आधा घंटा भी बहुत है, और इतने में मेरी हालत खराब बोली। अच्छा तो ये देखो वो 8:10 होगी, तो इतना भी वैसा बहुत है अपने लिए, आधा घंटा भी निकाल लिया काफी है। तो जी बस पहले तो मैं सांस से ले लूँ 5-4, फिर उसके बाद लगूंगी काम पे, साफ सफाई और बाकी सारे काम। तो इस वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे ही, क्योंकि सुबह ही सुबह थोड़ा सा काम हो गया ज़्यादा, तो इस वीडियो को यहीं पे रोकेंगे अब, और मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे। फूलों के बीच छुप रहे हैं सांवरिया है, देखो कहाँ ये रे। राधे 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 करो, राधे राधे उसकी तो अपने आप राधे राधे हो रही है, वो थक गया।